हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की नई क्लास में। और जैसा कि आप जानते हो, हमने जो स्टार्ट कराया था ठोस अवस्था, क्लास 12th का टॉपिक है ये। और उसमें हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आणविक ठोस करा चुके हैं, आयनिक ठोस करा चुके हैं, धात्विक ठोस करा चुके हैं। तो आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे आप, और घर बैठे ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों, इसमें देखते हैं कि जैसा नाम से पता चल रहा है, सहसंयोजक, यानी कि ये जो बनते हैं, ये परमाणुओं के बीच, एटम्स के बीच सहसंयोजक यानी साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनके द्वारा बनते हैं। तो परमाणुओं के बीच साझेदारी से बंध बनते हैं और वो काफी संख्या में बनते हैं। तो इसमें हजारों लाखों जो परमाणु हैं वो जुड़े रहते हैं। इसीलिए जब बहुत सारे जुड़े रहेंगे आपस में तो वो नेटवर्क बन जाता है, बहुत प्रकार। जैसे 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं तो वो एक लाख लोगों का नेटवर्क हो गया। इसी टाइप से बहुत सारे परमाणुओं का नेटवर्क हो गया। अब इसका जो उदाहरण है, जैसे हीरा है, वो इसका ही एग्जांपल है। हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक, और आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, ये इसके उदाहरण है। तो इसको देखेंगे बच्चों कि ये कैसे बनता है। देखिए, हीरे की जो संरचना है वो इस टाइप से है। मैं इसको कार्बन मानता हूं, तो यहां पर जैसे मैंने इसको इस टाइप से दिखाया, और ये फिर आगे कार्बन जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर उसकी प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये आगे भी इस टाइप से जुड़े रहते हैं फिर से। तो एक सिस्टमेटिक, वैसे 3 डायमेंशनल होता है, इसके ऊपर भी जुड़े रहते हैं। ये अभी 2 डायमेंशनल में ही मैं इसको बना रहा हूं, कि आप समझ जाएंगे कि नेटवर्क क्या होता है। देखिए, देखो बच्चों, ये भी आगे किसी न किसी से जुड़ा रहेगा। जैसे यहां पे ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है, ये भी आगे चल के इस टाइप से इससे जुड़ जाएगा, ठीक। तो अभी आपको यहां तो 4 से दिख रहा है, 1 और ये 2 3 और ये 4 से, 4 कार्बनों से। तो इसमें आखिर 4 कार्बनों से ही क्यों जुड़ता है? आप जानते हो, कार्बन है ये क्या है, इसको मैंने कार्बन माना। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन कार्बन ही है। तो डायमंड जो बनता है वो किससे बनता है? कार्बन से बनता है, ठीक है। यानी सी पे बहुत सारे एन नंबर मान लो में वो जुड़े रहते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 2 4। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितने चाहिए? इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 से जुड़ेगा, 4 कार्बनों से जुड़ेगा। तो हर एक कार्बन 4 से जुड़ा रहता है, यहां 1 2 3 और ये 4, लेकिन ये भी 4 से जुड़ा होगा। यहां 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, लेकिन एक और भी हम दिखा सकते हैं यहां कहीं, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इसी टाइप की संरचना इसकी बन जाएगी, ठीक। यहां पर एक और इसको बना देंगे हम, और देखिए ये फिर इस टाइप से ये, तो 4 से ही जुड़े रहते हैं। ये भी 4 से जुड़ेगा, यहां 3 से दिखाया जा रहा है, 1 2 और ये 3। तो जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन काम आ गए, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा डायमंड में? नहीं बचा। तो इसीलिए कहते हैं हम कि जो हीरा होता है वो कठोर होगा, कठोर होगा कि इतने सारे बॉन्ड बनते हैं, बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे तो मजबूत बन जाता है। तो उसको पिघलाने के लिए, गलाने के लिए बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए हीरा का जो करीब 3300-3400 के आसपास इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो होता है, बहुत उच्च होता है। और अब तक ये बोरोन नाइट्राइड से पहले इसको ही सबसे कठोर पदार्थ माना जाता था, ठीक। तो समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन कोई भी मुक्त नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों यूज हो गए, मुक्त नहीं है, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। समझ में आ गया। तो नेटवर्क, और इससे मैंने एक उदाहरण लेके आपको बता दिया, ये 3 डायमेंशनल होता है। अगर मान लीजिए ये है, तो ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, जैसे मैं इसको यहां दिखा सकता हूं, तो ये ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक। और 2 डायमेंशन ये हो गई, 1 2 और ऊपर की तरफ, तो ये 3 डायमेंशनल होते हैं। और ये दिशात्मक होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है ये बॉन्ड। इसलिए इनकी संरचना, जैसे ये इसकी जो षटकोणीय संरचना इसकी,
बन रही है, चतुष्फलकीय आकृति में ये जुड़ता रहता है। आप जानते हो जब कार्बन चार से जुड़ता है तो वो कौन सा संरचना बनाता है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया। तो अब इनके हम हीरा जो है उसके जनरली अगर हम कहें तो ये क्या होते हैं, इनमें अभिलक्षणिक गुण अगर हम देखें, अभिलक्षणिक गुणधर्म, तो ये क्या बन किससे बनते हैं, ये परमाणुओं के बीच कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, बनते हैं। दूसरा हो गया कि बहुत बड़े अणु के रूप में होते हैं। समझ में आ गया। तीसरा है अधिकतर कठोर होते हैं एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक समझते हो बच्चों, कुचालक को कहते हैं हम क्या, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, ठीक, कुचालक होते हैं। परंतु चौथा पॉइंट, परंतु जैसे इसका उदाहरण लिख लीजिए, हीरा है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, परंतु ग्रेफाइट ये भी कार्बन से बनता है, इसको भी C और हम लिख सकते हैं N, परंतु ग्रेफाइट मुलायम, इसके मुकाबले क्या होता है, मुलायम एवं सुचालक होता है, मुलायम एवं विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों। और इसके अलावा और देखिए, इसको देख लीजिए आप, रफ कर देते हैं इसके, देखिए गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, जो इनके, इसको भी रफ कर देता हूं मैं, आप बहुत होशियार हो, देख लिया होगा आपने, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो पिघलता है, क्योंकि ठोस होते हैं तो बहुत ज्यादा बंद बने होते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद इसको क्वथनांक जिस पे वो बॉयल होते हैं, ठीक, बहुत क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये किसके लिए हो गया, हीरे के लिए हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड के लिए हो गया। जैसे ये किसके लिए हो गया, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 सिलिका भी इसी में आती है, ठीक। परंतु अगर हम देखें ग्रेफाइट का क्या होता है, ग्रेफाइट का अपेक्षाकृत क्या होगा, अपेक्षाकृत मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ठीक। अब हम देखिए इसको, ये तो पता चल गया कि ज्यादातर विद्युत रोधी होते हैं, इसमें पास नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए पिघलाने के लिए। अब देखिए ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, ग्रेफाइट की जो संरचना है वो, ग्रेफाइट में कुल तीन जुड़े रहते हैं, एक दो तीन, यहां पर ये कुल मिला कितने से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन। तो बताइए जब तीन कार्बनों से जुड़ गया, ये कार्बन एक दो तीन से जुड़ गया, तो एक कार्बन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया हर एक पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बच गया, ये भी कार्बन है,
यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको बनाते चले जाइए, ये भी एक परत की संरचना के रूप में ट्राइगोनल परत बनती चली जाती है इसमें, और आगे ऐसे आप इसको पूरा कर सकते हैं इस टाइप से, देखिए ठीक। ये मान लीजिए ये एक लेयर होगी, ठीक। तो हर एक पर देखिए ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, तो इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, सभी पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग सी बना देते हैं, जैसे एरोमेटिक यौगिकों में होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो विद्युत का प्रवाह करते हैं, यानी अगर हम विद्युत प्रवाह करें तो इसमें विद्युत प्रवाह हो जाएगी, इसलिए ग्रेफाइट होता है, सुचालक होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हरे कार्बन पर मुक्त है, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होता, ग्रेफाइट में होता है। समझ में आ गया, ग्रेफाइट सुचालक है। तो और देखिए, एक यहां पर करीब इसका 141.5 पिकोमीटर होती है, ठीक। अब देखिए और भी है बहुत सारी लेयर, ये एक दूसरे पर सरकाई जा सकती हैं, ये है इसी टाइप से, बहुत बनाने में ये बहुत आसान है ग्रेफाइट, ठीक। तो देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सभी पर फ्री है, तो ये एक तरीके से यहां पर ये लेयर्स बन गई, इनके बीच ये जो बॉन्ड है टेम्परेरी बॉन्ड एक तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच ये बनते चले जाते हैं। समझ में आ गया, परमानेंट नहीं होते ये। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, कंपैरेटिवली मुलायम होता है, ठीक। तो ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में हमने आपको बताया बच्चों, आगे आप इसको रिवाइज करना, अगले टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।